विभांतर की बात करेंगे हम लोग। बाध्य विभांतर, विभांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। तो कहेंगे कि जब एकांक आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है तो उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं, और इसका मात्रक वोल्ट होता है या इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है या अदिश राशि होती है। देखो अंतर दिखा रहे हैं, इसीलिए वी ए माइनस वी वी आप लिखे हैं अंतर की जब बात होगी तो। और डब्ल्यू वाई की मान लो कि यहाँ पर है एकांक आवेश ए पर, और उठा करके आप बी पर लेकर के जाएंगे तो मान लीजिए कि आवेश को उठाकर बी पर लेकर जा रहे हैं तो हमें जितना कार्य करना पड़ेगा उसी का हम लोग क्या करते हैं ए। देखो ये मेहनत से पढ़ो तो नहीं याद कर लो, समझ रहे हो, ये तीन फिर नहीं आएगा बाबू। अब बार बार थोड़ा आपको वैद्युत विभवांतर पढ़ाया जाएगा, तो आज पढ़ाया जाए तो सब लोग याद कर लीजिए इसको। चलिए एक वोल्ट का परिभाषा देख लीजिए, समझ गए होंगे कि डब्ल्यू बाई क्यू आपके पास है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसका वैद्युत विभवांतर। अच्छा एक वोल्ट का, एक वोल्ट का अगर परिभाषा पूछता तभी बता सकते हैं, सिंपल सा बात आपका रहेगा कि सुनो यदि एक कूलम आवेश को उठाकर, एक कूलम आवेश को उठाकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है, एक जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर एक वोल्ट होगा। एक कूलम आवेश को एक बिंदु से उठा करके दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि एक जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर एक वोल्ट होगा। बात समझे, तो एक वोल्ट का परिभाषा भी देख लिए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए प्यारा सा चलते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक बिंदु ए पर विभव 10 वोल्ट है तो बी पर विभव बताइए, यदि 10 कूलम का आवेश को ले जाने पर 50 जूल का कार्य किया जाता है, 50 जूल का कार्य किया जाता है। चलो आओ समझो कैसे हल करोगे इसको। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे हल, आ ए पर जब विभव कहेगा तो सुना ध्यान से, ए पर जब विभव कहेगा तो आप लिखेंगे वी ए बराबर 10 वोल्ट, वी ए बराबर 10 वोल्ट। सब लोग पहले अवतार निकाल के रेडी रखना, अवतार निकाल लो सब लोग अभी ने जस्ट, और 10 कूलम का आवेश है की बराबर 10 कूलम, ठीक है 50 जूल कार कह रहा है तो डब्ल्यू बराबर 50 जूल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होगा, वी ए माइनस वी वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, वी ए का मान आपका दिया है 10, वी वी आपको निकाल एकदम ध्यान से देखना है, वी ए का 10, वी वी निकालना है, डब्ल्यू का 50 आ क्यू का 10, काट दो पाँचों में कैंसिल, तो 10 माइनस वी वी बराबर 5, तो माइनस वी वी बराबर 5, और 10 इधर जाएगा माइनस 10, तो माइनस वी वी बराबर माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल तो वी बराबर 5 वोल्ट आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है।